नमस्कार आपण देखुछंती ओडिसा क्रेज यूट्यूब चैनल। ओडिसा रे उन्नत प्रणाली रे सारु चाष आम राज्य में प्राय सब अंचल सारु चाष करा जाए जेकोसी तरकारी एहा मिसा जाइथिबार गाँव मानकर भोजी भात समय रे एहा बहुळ भाव रे प्रयोग होइथाय। सारु को जदि तरकारी करी मुख्यतः खिया जाइथाय केतेक जगार एहाकु काटी सुखाई तेल रे भाजी मध्य खिया जाए। पश्चिमबंग रे सारु नाड़ी को मध्य लोके तरकारी करी खाइथांती। कंचा सारु साधारणतः गलुल लागे। सारु रे साधारणतः चर्बी फस्फोरस सोडियम विटामिन ए बी सी लोह कैल्शियम पोटासियम प्रभृति अनेक धातव लवण रही थाए। सारु प्रथम भारत एवं आफ्रिका महादेश चाष होइथिबा बोली केतेक वैज्ञानिक मत देइथांती। आम देश रे अनेक प्रकार बण सारु मध्य देखा जाए ता सहित खाइले ताकु गलु लागे। तेबे चालंतु जानिबा चाष किपरि करिबा उन्नत प्रणाली लगाइबा समय साधु सारु साधारणतः तो खरा दिने चाष करा जाए। फेब्रुआरी ठारु अप्रैल मे पर्यंत मध्य सारु लगा जाए। वर्षा पूर्वरु सारु बिलर सबु चाष काम सारि देबा भलो। माटी जे कोनसे माटी रे सारु चाष करा जाए पारुथिले मध्य दरसा उर्वर माटी रे भलो हुए। अनेक समय रे मझाड़िया जमि रे लोके सारु चाष करिबाकु जुलाई मास शेष आड़ को खड़ी रही धान मध्य होइथांती। तेबे टिके ढीपा मोटाड़िया जमीरे सारु भल हुए। सारुर किसम कौन कौन मुक्त केसी झांकड़ी पाणी सारु शंख सारु एवं जानवा चाष प्रणाली जमी को लुहा लंगड़ साहय भल भाव चाष कर माटी को गुंड करदे उचित। चाष करने समय रे एक पिछा दस रु बार गाड़ी भल खत बिलरे दे माटी मिसाई देवा दरकार। आम राज्य साधारणतः सारु रे सुपर फॉस्फेट सार दियंती नहीं फल रे से माने अमल कम पाई किंतु लगाइबा समय रे एकर पिछा 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 किलोग्राम मुरेट और पोटास देवा उचित। सबुतक सुपर फॉस्फेट पोटास को सियार रे दे सारु मंजी लगाई माटी घोड़ाई दियंतु। साधारणतः दुई सियार मध्य व्यवधान देढ़ फुट रखत। सियार भितर 6-8 इंच छाड़ी गोटे गोटे पुआ लगातु। एकर पिछा प्राय 3 क्विंटल पर्यंत पुआ आवश्यक होता है। लगवा पूर्व पुआ गुड़िक गजा कराई नवा दरकार। बिलरे पागो थिला बड़े पुआ लगातु एवं गजा बाहर गलापर पा दिंतु। सारु गच उठला 20-25 दिन पर बिलर घास इत्यादि बाछी एकर पिछा 40 किलोग्राम यूरिया दे हुड़ा टेकी दियंतु। सार देवा परे परे पानी दियंतु। सारु खरा दिने लागुथिबारु प्राय 7-8 दिन अंतर पानी दरकार होइथाय। तेबे अमल प्राय लगाइबारु 4-5 मास परे सारु अमल पई उपयुक्त होइथाय। एकर पिछा प्राय 50-60 क्विंटल पर्यंत सारु बाहरी थाय। सारुर साधारणतः पोक रोग खूब कम होइथाय। तेबे ब्राइट नामक रोग वर्षा दिन होइथाय। एहा एबे पत्र रे नाली नाली गोलाकार चिन्ह देखा जाए। क्रमे एहा गछर सबु आड़ को व्यापीस शेषरे गछ मरी जाए। तेबे मने रखंतु बिल को भल भाव चाष करंतु। पनीपरिया पई जथेष्ट परिमाण खत दियंतु। उन्नत किस्मर बिहन लगातु। आवश्यक परिमाण रे सार ठीक समय रे दियंतु। उपयुक्त समय रे कोड़ाखसु करंतु। रोग पोक दाउ रक्षा पाइबापी समय अनुसार प्रतिकार व्यवस्था ग्रहण करंतु। ठीक समय रे अमल करी बिक्री करंतु। जानिले उन्नत प्रणाली रे सारु चाष किपरि करि परिबे। भिडियोटी भल लगे लाइक करिबे आपणको फ्रेंड मानक सहित शेयर करिबे। जदि ओडिसा क्रेज चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करनांती दया करिकी सब्सक्राइब करिबे एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिबे। धन्यवाद।